पिछले कुछ समय से LGBTQ+ समुदाय के लोग बहुत चर्चा में, क्योंकि इनसे संबंधित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई चल रही है। LGBTQ+ समुदाय लंबे समय से अपने सामाजिक पिछड़ेपन और अशिक्षा बेरोजगारी का सामना कर रहा। आज की वीडियो में हम आपको LGBTQ+ समुदाय के लोगों के बारे में बताएंगे कि LGBTQ का मतलब क्या होता है। ये समुदाय सामान्य पुरुष और सामान्य महिला, जो समाज के दो लिंग होते हैं, उससे अलग समुदाय। इस समुदाय की पहचान बहुत ही अलग मानी जाती है और वर्तमान समय में इस समुदाय के लोगों को स्वीकृति नहीं मिली हुई है। एल का मतलब होता है लेस्बियन, यानी एक महिला का दूसरे महिला के प्रति आकर्षण। यानी जब एक महिला किसी पुरुष से शादी न करके किसी दूसरी महिला से शादी करे तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। वही जी का मतलब होता है गे, यानी महिला की तरफ पुरुष का एक दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण होना। जब भी ये दोनों स्थिति होती है तो उसे समलैंगिक विवाह कहा जाता है। और फिर आता है बी। बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल सेक्सुअल। इसका मतलब होता है कि एक पुरुष के प्रति और औरत के प्रति दोनों के प्रति आकर्षण हो सकता है। यानी बाई का मतलब होता है दोनों के प्रति अपना दोनों लिंग के प्रति आकर्षण रखना। वही टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, जैसे हम आम तौर पर किन्नर के नाम पर जानते हैं और त्योहारों पर जो किन्नर हमारे घर पर आती है और जिससे भारतीय समाज में जिसके आशीर्वाद को बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर आता है क्यू। एक शब्द और है आई, जिसका मतलब होता है इंटरसेक्स। ये ट्रांसजेंडर का ही एक पार्ट होता है, इसलिए बहुत कम सुर्खियों में रहता है। फिर आता है क्यू। क्यू मतलब होता है क्वियर। क्वियर का मतलब होता है ऐसा समुदाय जो अपनी पहचान को लेकर बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता। यानी वो खुद तय नहीं कर पाता है कि वो लेस्बियन है, गे है या फिर ट्रांसजेंडर है। तो ये था LGBTQ का मतलब। प्लस का मतलब होता है कि इसके अलावा, यानी LGBT के अलावा भी ऐसा कोई वर्ग या ऐसा कोई समूह जो अपने आप को पिछड़ेपन का सामना करता है उसको प्लस में रखा जाता है, यानी पूरे समुदाय को इसमें जोड़ा जाता है।